आईपीएल 2022 का 47th मैच जो ही खेला जाएगा कोलकाता नाइट राइडर्स वर्सेस राजस्थान रॉयल्स के बीच। आप कुछ भी इन दोनों टीमों का हेड टू हेड रिकॉर्ड, पिच रिपोर्ट, प्लेइंग 11 और सबसे खास बात आप कुछ भी मेरे पर्सनल प्रेडिक्शन में बताया जाएगा। लेकिन मुझे कहीं इन दोनों टीमों कौन सी टीम जो इस मैच को जीत सकती है, तो वीडियो जो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है वीडियो को जरूर देखेगा। देख ले तो आपको इस मैच के लिए दूसरा कोई वीडियो देखने जो जो नहीं पड़ता वीडियो को उससे पहले तो लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल को प्रेस जो कर लो। और हाँ, अगर आप भी टॉस और मैच प्रेडिक्शन जाना चाहते हैं तो आप जो है मोहित भाई से भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नंबर आपको स्क्रीन पर डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। बता दूं काम बहुत अच्छे से बता रहा हूँ। सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं इन दोनों टीमों के हेड टू हेड रिकॉर्ड्स की। अगर इन दोनों टीमों के हेड टू हेड रिकॉर्ड्स की बात करें इन दोनों टीमों के बीच लास्ट के 10 मैचेस खेले गए हैं, 7 मैचों में जो कोलकाता नाइट राइडर्स को जीत मिली है वही 3 मुकाबले जो राजस्थान रॉयल्स की टीम जो जीती है। बात दोनों टीमों खेला गया लास्ट मैच की, तो ये जो मैच खेला गया तो खेला था 18 अप्रैल आईपीएल 2022 के सीजन में ही, ठीक है, जिस मैच में हुआ राजस्थान रॉयल्स की टीम जो पहले बैटिंग करते 20 ओवर में 217 रन बना दी और केवल अपने 5 विकेट खोए। जब कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम जब इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी तो कोलकाता नाइट टीम जो 19 ओवर 4 गेंदे खेली, अपने सारे विकेट खो दिए, केवल 210 रन बनाई। परिणाम स्वरूप राजस्थान रॉयल्स की टीम जो इस मैच को 7 रनों से जीत गई। लास्ट मैच जो इन दोनों को छुआ था कौन, राजस्थान रॉयल्स की टीम जो जीत कर आ रही है। बात करें दोनों टीमों की लास्ट मैच की, तो कोलकाता नाइट राइडर्स लास्ट मैच जो दिल्ली कैपिटल के साथ खेली जिस मैच में हुआ गया था, कोलकाता नाइट राइडर्स टीम जो पहले बैटिंग करते 20 ओवर में जो 46 रन बना दी और केवल अपने 9 विकेट खोए। जब दिल्ली कैपिटल की टीम जब इस का पीछा करने उतरी तो दिल्ली कैपिटल की टीम जो 19 ओवर में 150 रन बना दी और केवल 6 विकेट हुए। परिणाम स्वरूप दिल्ली कैपिटल की टीम जो इस मैच को 4 विकेटों से जीत गई और कोलकाता नाइट राइडर्स टीम जो इस मैच को हार गई। बात करें राजस्थान रॉयल्स में लास्ट मैच जो मुंबई इंडियंस के साथ खेली जिसमें हुआ गया था, राजस्थान रॉयल्स की टीम जो पहले बैटिंग करते 20 ओवर में जो है 158 रन बना दी और केवल अपने 6 विकेट खोए। जब मुंबई इंडियंस की टीम जब इस लगता पीछा करने उतरी तो मुंबई टीम जो 19 ओवर 2 गेंदे खेली 161 रन बना दी और केवल अपने 5 विकेट खोए। परिणाम से मुंबई टीम जो इस मैच को जो है 5 विकेटों से जीत गए। लास्ट मैच जो दोनों टीमें हार कर ही आ रही है, कोलकाता नाइट राइडर्स लास्ट मैच जो दिल्ली कैपिटल से हार करा रही है और राजस्थान रॉयल्स में लास्ट मैच जो मुंबई इंडियंस से हार करा रही है। हेड टू हेड रिकॉर्ड्स की बात करें भले ही जो है कोलकाता नाइट टीम जो बाजी मारते दिखाई दे रही हो, बट यहाँ पर रिसेंट फॉर्म जो राजस्थान रॉयल्स का ज्यादा अच्छा चल रहा है। अगर हेड आपके पास किसी मैच जीतने के लिए हेड टू हेड रिकॉर्ड मायने रखता है और बहुत सारे रिकॉर्ड मायने रखते हैं, इस मैच की वजह से कुछ बड़ी खबरें भी आ रही है, ठीक है, और इस मैच में कुछ अलग भी होने, क्या अलग होना सारा कुछ मैं आपको बताऊंगा, तो वीडियो पर पूरा जरूर से देखें, ठीक है। चलिए अब बात कर लेते इस मैच की पिच रिपोर्ट के बारे में। पिच की बात करें, ये जो मैच है वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में खेला जाएगा। बात करें पिच की तो आपको बता दूं इसमें पिच पर आपको फर्स्ट में आपको एवरेज स्कोर देखने को मिल सकता है 168 रन का, वहीं सेकंड में आपको एवरेज स्कोर देखने को मिल सकता है 156 रन का। वहीं आपको इस पिच पर लास्ट के 96 मैचेस खेले गए 49% मैच जो पहले बैटिंग करने टीम जीती है वो 50% मैच जो है चेस करने वाली टीम जीती है, यानी कि बस 1% का ही अंतर है। आपको इस स्टेडियम के पिच पर लास्ट मैच जो खेला था लखनऊ सुपर जायंट्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच जिस मैच में हुआ था, लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम जो पहले बैटिंग करते 20 ओवर में जो 195 रन बना दिए केवल अपने 3 विकेट खोए। जब दिल्ली कैपिटल की टीम जब लगता पीछा करने होते दिल्ली कैपिटल की टीम जो 20 ओवर में 189 रन बना दिए केवल 7 विकेट भी खो दिए, ठीक है। परिणाम से लखनऊ सुपर जायंट्स टीम जो इस मैच में 6 रनों से जीत गए। लास्ट मैच जो इस पिच हुआ था कौन पहले बैटिंग करने टीम जो जीत कर आ रही, लास्ट मैच में जो इस पिच हुआ था उसमें जो लखनऊ सुपर जायंट्स ने टॉस जीत कर पहले बैटिंग करने का फैसला लिया था क्योंकि दिन का मुकाबला था, ठीक है, धूप बहुत ज्यादा थी, बट इस मैच में आपको खोगा गया इसमें ऐसा देखने को मिलता है जो भी टीम जिसमें टॉस जीतो आपको चेस करने का फैसला लेते हुए दिखाई दे सकती है। ये बात कर ले दोनों टीमों के प्लेइंग के बारे में जिसका आप सबको बेसब्री से इंतजार था। सबसे पहले तो हम बात कर ले कैसे इस मैच में कोलकाता नाइट राइडर्स की प्लेइंग, कोलकाता नाइट राइडर्स प्लेइंग के बाद कोलकाता नाइट राइडर्स की उसको ओपनिंग करते दिखाई दे सकते हैं एरन फिंच और वेंकटेश अय्यर, थर्ड खेलते हुए दिखाई दे श्रेयस अय्यर, फोर्थ नंबर पर नीतीश राणा, फिफ्थ नंबर पर बाबा इंद्रजीत, सिक्स नंबर पर रिंकू सिंह, वहीं सेवंथ नंबर पर आंद्रे रसल, एट्थ नंबर सुनील नारायण, नाइन्थ नंबर पर उमेश यादव, टेंथ नंबर पर टीम सऊदी, इलेवंथ नंबर पे हरजीत राणा। तो ऐसे में जो कोलकाता नाइट राइडर्स की प्लेइंग में बात करें राजस्थान रॉयल्स की पोस्ट पर प्लेइंग, राजस्थान रॉयल्स की उसको ओपनिंग करते दिखाई दे सकते हैं जॉस बटलर, डेविड पडिकल, थर्ड नंबर खेलते दिखाई दे संजू सैमसन, फोर्थ नंबर पे दयाल मिचल, और फिफ्थ नंबर पर सिमरन हैटमर, सिक्स नंबर पे रियान पराग, सेवंथ नंबर पर रविचंद्र अश्विन, एट्थ नंबर पर ट्रेंट बोल्ट, नाइन्थ नंबर पे कौन प्रसिद्ध कृष्णा, टेंथ नंबर पर युवेंद्र चहल, वहीं इलेवंथ नंबर पे कुलदीप सैन। तो ऐसे होते इस मैच में राजस्थान रॉयल्स की प्लेइंग 11। आपको बता दूं कि ये दोनों टीमों का पोस्ट पर प्लेइंग है, इस प्लेइंग कुछ भी बदला होता है इसका पता जो आपको टेलीग्राम चैनल चलेगा मैच पर, जिन्होंने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया जरूर से ज्वाइन करो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, ठीक है। चलिए बात करें दोनों इस मैच को कौन सी टीम जो जीत, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप जब देख लो अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन किया है कि नहीं किया, अगर नहीं किया जरूर से ज्वाइन करो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया, क्योंकि टेलीग्राम चैनल बिल्कुल फ्री में जो टॉस मैच का प्रेडिक्शन दे दिया जाता है। और आपको बता दूं कि हमारे टेलीग्राम चैनल बैक टू बैक टॉस मैच का प्रेडिक्शन पास जाए, जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया जरूर से ज्वाइन करो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन टॉप पे मिल जाएगा, ठीक है, ब्लू कलर का लिंक होगा टॉप पे, सिंपली आपको लिंक पे क्लिक करना, वो आपको टेलीग्राम पे छोड़ देगा, सिंपली आपको जाकर टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लेना, ठीक है। तो चलिए बात कर लेते दोनों टीम कौन सी टीम जिस मैच को जीत सकते, दोनों में रिकॉर्ड्स और स्टैट्स को देखने के बाद जहां तक मुझे लगता है इस मैच में कौन राजस्थान उसकी टीम जिस मैच को जीतते दिखाई दे सकते, बट आप एक बात का ध्यान रखना, ठीक है, ये मेरा मैच का फाइनल अपडेट जो नहीं है, मैच का फाइनल अपडेट जो है आपको मैच शुरू होने से पहले आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, ठीक है। तो जिन्होंने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया जरूर से जाकर ज्वाइन करो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया, ठीक है, लिंक पर क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हो टेलीग्राम चैनल को। लेकिन टेलीग्राम पर जाने से पहले अभी तो कर दे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जो कर दे, मिलते हैं आपसे।